साक्षी अरे यस आपने ग्रुप में मैसेज किया है, थोड़ा वेट करते ठीक है, नहीं आया तो फिर स्टार्ट करेंगे 15 पे, स्टार्ट करते 1:15 पे ठीक है। मैं तो अब तक लैपटॉप से लॉग इन करती हूँ, अब चल नहीं रहा है। मैम।
आवाज आ रही है ना साक्षी रूपाली? स्क्रीन भी शेयर हो रही है। हम आज देखेंगे शॉल के बारे में। इसके पहले हमने साड़ी के बारे में देखा, ठीक है। साड़ी हमारी कौन सी हो चुकी है, कौन सी हुई है? हाँ साक्षी, हाँ क्या क्या पढ़ा है हमने? साड़ी में कौन सी हुई है? कांजीवरम और जामदानी, ये सब हुई है। और बालूचरी साड़ी हुई है, पैठणी हुई है, और नोट डाउन नहीं किया, नोट नहीं किया था क्या? देखो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आता है खुद सॉल्व करना, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ तो आप आंसर कर नहीं रहे हो मुझे, ठीक है? फिर बोलना मत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसा हुआ ये हुआ। शॉल्स के बारे में देखेंगे तो कश्मीर से हम लोग एक मतलब हम लोग का कश्मीर में एक शॉल बनती है जिसका नाम पश्मीना होता है। पश्मीना बकरी के बालों से बनती है वो, इतना हमको पता है। अभी उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मम्मी आवाज थोड़ा कम ही कर। कश्मीर ऑल्सो नोन एज दी पैराडाइज ऑन अर्थ इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर नॉट ओनली इट्स नेचुरल ब्यूटी बट ऑल्सो फॉर द हैंडीक्राफ्ट मेड बाय द आर्टिशंस। हम लोग स्वर्ग के नाम से कश्मीर को जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए मतलब नेचर की ब्यूटी के लिए ही फेमस है ना। लेकिन साथ ही में हैंड मतलब जो हाथों से कारागिरी होती है वहां पे कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो आर्टिस्टों के नाम से भी वो कला के नाम से भी कश्मीर प्रसिद्ध है, ठीक है। अमोंग द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट द कश्मीरी शॉल हैव रिमाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ट क्रिएशंस इन द वर्ल्ड सिंस सेंचुरीज। वहां के जो हाथों से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें से एक है शॉल, ठीक है। तो कश्मीरी शॉल ये वहां का सबसे ज्यादा फेमस मतलब कुछ प्रोडक्ट है जो हाथों से बना होता है। वहां पे और भी चीजें हाथों की कला से बनी हुई होती है, खुद से बनाई हुई, ठीक है, मशीन का इसमें कोई यूज नहीं होता है। वहां पे लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, जो हाथों से बनाई हुई चीजें होती है, जो आर्ट होता है वो, ठीक है, तो उसके लिए भी फेमस है। साथ ही में वहां पे कश्मीरी शॉल जो है वो फेमस है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड शॉल इज डिराइव्ड बाय द पर्शियन वर्ड शाल मीन्स अ वोवन वुलन फेब्रिक विच इज ड्रेप अक्रॉस द शोल्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। शॉल जो है ये एक वर्ड है, पर्शियन वर्ड शाल से आया हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वुलन फैब्रिक, बुना हुआ वुलन फैब्रिक। वुलन मतलब आपको पता है जो भेड़ों से मिलता है ऊन जो इकट्ठा होता है, ठीक है, उससे जो बना हुआ धागा होता है उससे बुनी हुई जो चीजें होती है उसको हम लोग ठंडी के इसके लिए यूज करते हैं, ठंड में यूज करते हैं, ठीक है। तो शॉल क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बुना हुआ वुलन से बुना हुआ होता है जिसको ड्रेप किया जाता है शोल्डर के ऊपर। ड्रेप मतलब ओढ़ना, ठीक है, शोल्डर के ऊपर ओढ़ा जाता है किसके लिए, ठंड से बचने के लिए, क्योंकि वो गर्म कपड़ा होता है, ठीक है। अब ओरिजिन के बाद उसका ओरिजिन पढ़ते हैं। दी कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री डेवलप्ड ओवर 300 इयर्स थ्रू
four different period of political rule in India versus the Mughals, Afghans, Sikhs and Dogras, as recorded in Jinnah's Rajatangini. King Zain Alauddin, इनका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कश्मीर का कशीदा, उसमें भी हमने ये वर्ड राजा का नाम ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कश्मीर का जो ओरिजिन है, मतलब आपको तो पता ही है 300 इयर्स से इसका मतलब पीरियड से वहां पे रूल चलते आ रहे हैं मुगलों के, ठीक है, और राजाओं के अलग अलग, ठीक है। तो उसके बाद ये तो जीन अलाउद्दीन है, 1420 to 1470 से यहाँ पे क्या हुआ, वॉज कंसिडर एज अ फाउंडर एंड चीफ पैटर्न ऑफ किंग कश्मीरी शॉल। इन्होंने मतलब ये जब आए, इन्होंने कश्मीर का कशीदा आपको पता है वहीं से इन्होंने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट वगैरह स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ पे कश्मीरी शॉल का भी हुआ। तो कश्मीरी शॉल पे ऑब्वियसली हाथों से कढ़ाई भी होती है और साथ में बुनाई भी होती है और प्रिंट भी होता है वहां पे, ठीक है। हमने ऑलरेडी कश्मीर का कशीदा में ये पढ़ चुके हैं। He taught his art of shawl making the people of Kashmir by getting expert from Turkestan. इन्होंने क्या किया, जैन अलाउद्दीन ने वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को शॉल बुनना सिखाया, ठीक है। कहां से उन्होंने जो एक्सपर्ट थे, मतलब जो लोग थे बुनाईकार जो थे, उन्होंने तुर्किस्तान से और पर्शिया से मंगाए थे, बुलाए थे, ठीक है, ये इन लोगों को सिखाने के लिए। सिंस देन दिस आर्ट इज बिगिन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। वहां का जो जो अपनी विरासत में जो हम लोग देते हैं लोगों को, ठीक है, कि ये आपका ट्रेडिशन है, ठीक है, इसको जनरेशन टू जनरेशन ये लोग ने पास किया, ठीक है, वो ट्रांसफर होते गए। जो कला थी वहां पे शॉल बुनने की, आज भी लोग वहां पे हाथों से शॉल बुनते हैं और उस पे कढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होती जाती है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने अपनी परंपरा को अभी तक प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर अकबर, मिनिएचर पेंटिंग्स एंड पोर्ट्रेट शो द एम्परर वेयरिंग रोब्स एंड गाउन्स मेड ऑफ कानी शॉल, गिविंग एविडेंस टुवर्ड हिज बीइंग द ग्रेट एडमायर ऑफ द आर्ट। ही एनकरेज द वीवर्स टू ट्राई न्यू मोटिव and also start the fashion of twin shawl where two identical shawl were woven back to back hiding the rough edge of transparent weave and giving the impression of a single reversible shawl. जब फिर miniature paintings और portraits इस पे shawl पे कारागिरी हुई, मिनिएचर पोर्ट्रेट्स पे के साथ, ठीक है, वहां पे दिखाते थे कि राजा जो है वो रॉब्स और गाउन पहने हैं, ठीक है, और शॉल को भी दिखाया जाता था, ठीक है, वो मोटिव्स थे उनके और उन्होंने एनकरेज किया व्यूवर्स को नए नए मोटिव्स के लिए और उससे फिर फैशन में ट्विन शॉल, जो दो तरफा शॉल होती है, इसको ऐसे भी ओढ़ सकते हो राइट, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड उसको कुछ पता नहीं चलता, राइट एंड रॉन्ग साइड, तो दोनों साइड से हम लोग उस शॉल को ओढ़ सकते हैं। तो कश्मीरी शॉल बिल्कुल ऐसी ही होती है, रिवर्सेबल शॉल होती है, ठीक है, दोनों तरफ उसके जो मोटिव होते हैं हमको अच्छे से दिखाई देते हैं क्योंकि वो वीव करने का तरीका उनका टेक्निक उस तरह से होता है, ठीक है। देन रीजन के बारे में वही है, थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली वर्सेस श्रीनगर, गंदेराबाद एंड गुड़गांव आर फेमस फॉर पश्मीना शॉल मेकिंग। ये जो तीन यहाँ पे प्लेस बताई है कश्मीर की, ठीक है, वो है, वो पश्मीना शॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और पश्मीना शॉल बनाने के लिए फेमस है। अदर एरिया इंक्लूडिंग
कानीहामा, पाटपुरा एंड मंझमा विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ श्रीनगर वेयर मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एसोसिएट विद वीविंग ऑफ कानी शॉल। कश्मीर के जो ये तीन प्लेसेस है, श्रीनगर, गंदेराबाद और बुडगांव, ये जो है वहां पे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और बाद में जो उसके अलावा जो और प्लेसेस है वहां पे कान्ही शॉल बनाई जाती है, जिसमें कान्ही शॉल में क्या होता है, पोर्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और मिनिएचर पेंटिंग्स होती है, ठीक है, जिसपे राजा जो है वो शॉल ओढ़े हुए, रॉब्स पहने हुए, गाउन्स पहने हुए, ऐसे उसके मोटिव होते हैं, ठीक है, और भी कुछ नए मोटिव्स होते होंगे। रॉ मटेरियल इसमें होता है, अभी पढ़ेंगे, शॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मटेरियल लाइक वूलन पेस्ट, पश्मीना, सतोश एंड अंगोरा वूल। अंगोरा वूल मैंने आपको बताया था, ये सब गरम गरम फैब्रिक फाइबर्स है, ठीक है। पश्मीना बकरी से मिलता है, वूलन आपको पता है क्या कहाँ से मिलता है, अंगोरा जो है खरगोश के बालों से जो फर निकलता है उससे बनता है, ठीक है। ये सारे गरम मतलब फाइबर्स है, ये रॉ मटेरियल्स में आते हैं। पश्मीना कंसिडरेड एज द किंग ऑफ फाइबर, डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम पर्शियन वर्ड, पश्मा मीन्स सॉफ्ट गोल्ड। ये जो पश्मीना है वो बहुत वो गोल्ड मतलब किंग ऑफ फाइबर के नाम से वहां पे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसका मतलब होता है, पर्शियन वर्ड से ये आया है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट गोल्ड, ठीक है, इसलिए वहां पे फाइबर्स में सबसे ऊंचा फाइबर पश्मीना शॉल का माना मतलब पश्मीना का माना जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स सॉफ्टनेस, वार्म फिनेस एंड डिजायरेबल एस्थेटिक वैल्यू। ये सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी होता है, इसलिए ये फेमस है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉफ्ट डॉग अंडर बेली फ्रेंड्स ऑफ द माउंटेन गोट कॉल्ड कैपरा हिरिकस विच द एनिमल शेड ऑन द हाई एटीट्यूड ड्यूरिंग समर्स। ये जो एक बकरी होती है, पहाड़ी बकरी, ठीक है, उसका रियल नेम कैपरा हिरिकस है, बट उसको पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनको नाम दिया गया है पश्मीना, ठीक है, जो पर्शियन वर्ड है। तो ये एकदम हाई एटीट्यूड में समर्स में आपको ये जो एनिमल है वो रहते हैं, ठीक है, इतनी गर्म होती है, इसलिए इसके जो फर होता है वो भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। देन टेक्निक, ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, द कश्मीरी शॉल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू टू मेन टाइप, द लूम वोवन और कानी शॉल एंड नीडल एम्ब्रॉयडरी ऑफ सोजीनी शॉल। यहाँ पे शॉल पे दो टाइप का शॉल यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज किया है। यहाँ पे फर्स्ट है लूम वोवन शॉल, जो कानी शॉल होती है वो लूम्स पे बुनी जाती है, और उसके दूसरी एक शॉल है जिस पे नीडल एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो है जो सोजोनी शॉल्स। वुलन स्कूप्स इंस्टेड ऑफ शटर्ड नोन एज कानी और टूजीज इन कश्मीरी लैंग्वेज मीन्स आईलेस and used for weaving a kani shawl on the loom। जो loom होता है उस पर बुनने के लिए जो हम शटल का यूज करते हैं, उस शटल को वो लोग कानी बोलते हैं, ठीक है, थीके? और tujis ये जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज में उसका मतलब होता है आईलेस, ठीक है, और ये जो है वो यूज होते हैं वीविंग के लिए, कानी शॉल बनाने के लिए वो लोग लूम्स पे यूज करते हैं। तो शटल तो हम लोग वैसे भी यूज ही करते हैं, ठीक है, लेकिन शटल को ये लोग कानी बोलते हैं। दी टूजीज इंटरलॉक द रिस्पेक्टिव कलर थ्रेड थ्रू डिसकॉन्टैक्ट वेफ्ट टेक्निक एज दे कंप्लीट ईच वेफ्ट ऑफ द शॉल विथ ट्विल टेस्परिक वीव टू क्रिएट एन इंट्रिकेट पैटर्न। वीविंग प्रोसेस इज meticulous
regulate by a cooled pattern known as the Talim drawn by the Nakshi for guidance of the weaver. यहाँ पे जब वो वीव करते हैं कपड़े को, ठीक है, तो लूम में आपको पता है शटल के द्वारा करते हैं, तो एक पे वार्प होता है और एक पे वेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बुनने का ये तरीका, इस पे वार्प के साइड में जो होता है वो कलर्ड थ्रेड से बुना जाता है, ठीक है, उसको नक्शी बोलते हैं। जो वहां के जो वीवर्स होते हैं उनके जो गाइडेंस होते हैं वो उसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए जो मोटिव्स होते हैं उसको नक्शी बोलते हैं, ठीक है। देन आर्टिस्ट रिक्वायर्ड ट्रेमेंडियस स्किल Artisans require tremendous skill, patience, and an unbelievable amount of consideration to create a marvelous piece of kanishol. Kanishol बनता है, फिर उसके बाद मतलब जो वहाँ के जो weavers होते हैं उनके guidance से जो मतलब जो artisans होते हैं, ठीक है, वो silk वगैरह use करके जो material use करते हैं उससे एक बहुत सुंदर सा एक पीस बनता है कानीचोल का। इट्स अ लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विथ यूजेज ऑफ नियर 1500 कलर्स इन अ डिजाइन विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द आर्टिशियन टू वीव बियॉन्ड एन इंच अ डे टू क्राफ्ट्समैन वर्किंग टूगेदर ऑन अ लूम टेक्स वन एंड अ हाफ 2 years to complete an all-over kanishol. In some cases, the period of weaving even stretched to 5 long years, depending entirely on the intricacy of design. अब ये design पे depend करता है कि उनका जो time consume कितना करते हैं कितना नहीं, ठीक है। इसको 1500 कलर के डिजाइन्स में बनती है ये कानीशॉल, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बुनना, और इसको बुनने के लिए दो मतलब पूरा कंप्लीट जो ईयर लगता है शॉल कंप्लीट होने के लिए वो 2 साल होते हैं, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा बारीकी से काम रहा तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक मतलब ऐसे वो मतलब उस पर जाता है डिपेंड, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा उसका नक्शी काम रहा तो कोई भी एक शॉल बनने के लिए उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेबर्स का डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, ये अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देखते हैं। कलेक्शन ऑफ पीसेस मतलब जो फाइबर्स होते हैं उसको कलेक्ट करना ये पहला काम होता है, फिर शॉर्टिंग ऑफ पीसेस अकॉर्डिंग टू फाइन एंड कॉर्सी हेयर्स, यहाँ पे फिर उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो बाल हम लोग शीप में से निकालते हैं या गोट में से निकालते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो हम लोग अलग निकालते हैं, ठीक है। दूसरा काम होता है कॉम्बिंग करना, आप लोग ने ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कॉम्बिंग आपको मेथड पता है, फाइबर्स को कॉम्ब किया जाता है। देन स्पिनिंग भी आपको पता है, प्लेइंग ऑन चक्रा स्पिन ऑफ फाइबर्स टू क्रिएट यार्न, धागा बनाने के लिए स्पिन करते हैं, ठीक है, थीके? तो स्पिनिंग आप लोग को पढ़ा है आपने। उसके बाद ड्रॉइंग करते हैं, ठीक है, वॉशिंग फॉलो अ डाइंग, इसके बाद इसको वॉश करके डाइंग करना पड़ता है फाइबर्स को। देन वाइंडिंग ऑफ थ्रेड, ठीक है, थ्रेड को वाइंड किया जाता है, फिर मेकिंग ड्रेसिंग एंड थ्रेडिंग ऑफ वार्प इन टू द लूम, लूम के ऊपर वो जब थ्रेड होता है उसको चढ़ाते हैं। देन ड्रॉइंग डिजाइन पैटर्न बाय पैटर्न ड्रॉइंग, यहाँ पे फिर नक्शी होता है, मतलब कोई पैटर्न जो है वो ट्रेस करके इसके ऊपर डाला जाता है। देन वीविंग करना स्टार्ट होता है और उसके बाद जॉइंट टुगेदर ऑफ फ्रेगमेंट टू द शॉल विथ इनविजिबल स्ट्रेच बाय राफोगर। अभी यहाँ पे उसके बाद जो शॉल बनती है वो लास्ट प्रोडक्ट होता है, ये इसका जो है वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, इसका अपने को इतना नीड नहीं है फिलहाल।
ये जो शॉल होती है कानी शॉल, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? जामवार, ठीक है, और शाहपसंद एज द किंग एंड नोबिलिटी प्रिफर बाइंग इट एंड गॉट जामा और गाउन्स मेड आउट ऑफ इट। यहाँ पे जामवार के नाम से भी शॉल को जानते हैं और शाहपसंद के नाम से भी कानी शॉल को जानते हैं, ठीक है, जो पैजामास के ऊपर इसको, गाउन के ऊपर इसके ऊपर ऐसे लेते हैं स्टाइल के लिए, ठीक है। देन लेआउट्स देखते हैं। द बॉडी ऑफ शॉल इज ट्रिम्ड एज मैटन विच वाइल द बॉर्डर आर ट्रिम्ड एज हासियल। यहाँ पे जो शॉल होती है उसका नाम है उनके जो बॉर्डर्स होते हैं, जैसे जाली पैटर्न या जो भी होता है बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम दिया है, उसको हैसिया नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अभी शॉल के नाम देखेंगे, दोशाला, दोशाला नाम का एक जो मतलब उस शॉल में और पैटर्न्स है, तो पहला पैटर्न है दोशाला। शॉल इन पेयर सेवन बैक टू बैक, सेवन बैक टू बैक, दैट इज द अंडर सरफेस ऑफ द शॉल वेयर नेवर सीन। शॉल जो होता है वो स्टिच किया होता है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में स्टिच की हुई होती है, तो उसको दोशाला बोलते हैं। दोशाला मीन्स देखा जाए तो जो रिवर्सेबल होती है, ठीक है, दोनों हिस्से हम लोग उसको ओढ़ सकते हैं, ठीक है। देन चार बागन, अभी फोर पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर आर नीटली ज्वाइंट टूगेदर विथ विजिबल स्टीचेस। जनरली द सेंट्रल फील्ड ऑफ द शॉल इज एम्ब्रिज्ड विथ अ मेडिएशन ऑफ फ्लावर इन एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे अभी चार पीसेस बनते हैं, ठीक है, शॉल के, वो जोड़े जाते हैं अलग अलग कलर्स में, और वो जब जोड़ रहे हैं तो वो इनविजिबल होता है, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देती उसकी स्टीचेस अपने को कि जोड़े हैं, अपने को लगता है एक साथ ही बुना हुआ है, पर अलग अलग कलर्स उसमें है ऐड, ठीक है, बट वो सीविंग मतलब स्टिच किए होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर उसको और सजाने के लिए फूलों की एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, उसको चार बागान बोलते हैं, ठीक है। देन दो रुखा, द पैटर्न इज वोवन एंड एम्ब्रॉयडरी इज सच अ मैनर दैट इज अपेयर सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द शॉल। दो रुखा मतलब दोनों तरफ से एक जैसा दिखने वाला, ठीक है, दोशाला मतलब दो साइड से ओढ़ने वाला, और दो रुखा मतलब दोनों तरफ से एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। और चांदार, चांदार नाम का भी एक शॉल है, मून शॉल हैज राउंड लार्ज पैटर्न वोन ऑन एम्ब्रॉयडर्ड इन द सेंटर। एक ऐसा शॉल जिसपे चांद बना होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा एकदम शॉल के सेंटर में, उसको चांदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पैटर्न्स है शॉल के। देन मोटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। द मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्यूटी ऑफ नेचर, सम एग्जाम्पल आर मैंगो और कैरी, एलमंड और बादाम, चिनार लीफ, एप्पल ब्लॉसम, ट्यूलिप लिली फ्लावर, चेरीज, प्लम, बर्ड लाइक पैरट, वुड पिकर एंड मैगपी एक्सेट्रा। ऑन वाइल्ड एनिमल आर डिपेक्ट बाय हंटिंग सीन्स एज नोन एज शिकारघर आर डिपेक्ट इन शॉल फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल पर्पजेस। मोटिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी कश्मीर के कशीदा में पढ़ चुके हैं, ठीक है, नेचर से इंस्पायर्ड होती है ज्यादा ज्यादा, मतलब फूल पत्ती एनिमल है ना, इसी चीजों से इंस्पायर्ड होती है यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी में मोटिव होते हैं वो। और साथ ही में यहाँ पे ह्यूमन जो है वो फिगर दिखाया जाता है शिकार करते हुए, ठीक है, उसको शिकार घर के नाम से उस एम्ब्रॉयडरी के मोटिव को जानते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसके मोटिव्स में क्या आता है, कैरी आती है, बादाम आता है, पत्तियां आती है, ठीक है, ब्लॉसम मतलब फूल आते हैं, ठीक है, ट्यूलिप मतलब फ्लावर, लिली फ्लावर आपको पता है, चेरीज, प्लम, बर्ड, पैरेट और किंगफिशर, एक हमने पक्षी का नाम पढ़ा था, ठीक है, वो ऐसे पक्षियां उसपे बने हुए होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। देन कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। पश्मीना फीस कलर रेंज फ्रॉम बैगेट ग्रे एंड ब्राउन टू ब्लैक,
यहाँ पे कलर्स देखा जाता है पश्मीना में, तो उसकी कलर की रेंज यहाँ पे 4 कलर में दी है। बेगेट मतलब जो ईद का कलर होता है उसमें सबसे लाइट वाला, ठीक है। आप लोग कलर चार्ट में देखोगे तो आपको ये कलर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वो कलर हुआ ग्रे कलर, हुआ ब्राउन एंड ब्लैक, तो ये कलर्स इसमें पश्मीना में देखा जाता है। हाउ एवर द फैब्रिक अडेप्ट इटसेल्फ ब्यूटीफुली टू डाइंग एंड कलरिंग, रिच कलर आर मोस्ट कॉमनली सीन इन कानी शॉल लाइक येलो, जर्दा, वाइट, सुफिड, ब्लैक, मुश्की, ब्लू, फिरोजी, पर्पल, उदा, क्रिम्सन, गुलनार एंड स्कारलेट क्रीमीज, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो येलो व्हाइट ब्लैक ये जो कलर दिख रहे हैं वो आपको अच्छे से पता है कि येलो मतलब क्या, ठीक है। लेकिन वो लोग अपनी लैंग्वेज में येलो को जर्दा बोलते हैं, व्हाइट को सुफिड कलर बोलते हैं और ब्लैक को मुश्की बोलते हैं, ब्लू को फिरोजी बोलते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर उदा और गुलनार ये जो कलर्स है ये यहाँ पे दिए हैं, पर्पल और क्रिम्सन और स्कारलेट को क्रीमजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड्स का यूज करते हैं कलर्स के लिए। और ये जो कलर्स होते हैं ये कानी शॉल पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये एकदम रिच कलर होते हैं और कानी शॉल पे ही देखने को मिलते हैं, जबकि पश्मीना शॉल 4 कलर्स में ही हमको मतलब देखने को मिलती है। देन इसका एंड यूज के बारे में पढ़ते हैं। द शॉल और शोल्डर, आपको पता है इसका एंड यूज क्या है, शॉल मतलब क्या, शोल्डर पे ओढ़ने वाली चीज, ठीक है। ठंडी से बचने के लिए हम लोग इसको पहनते हैं ताकि हमको गर्माहट मिले, ठीक है। ये लाइट वेट होती है बिल्कुल, क्योंकि अगर हेवी रहा तो हम इसको ओढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको जितना हो सके उतना लाइट वेट ही बनाते हैं और लाइट वेट ही रहती है ये, ठीक है। और ये 4 फोल्ड में होती है, ठीक है, इसको ड्रेप करके पहना जाता है, ठीक है। एज अ स्टोल भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये इसका एंड यूज है। डिक्लाइन कंटेम्प्रेरी सिनारियो, इसका कुछ अपने को पढ़ना ये है, ठीक है, क्योंकि वो अपने सिलेबस में भी नहीं है और वो वैसे भी आप लोगों का काम है सर्च करना, तो आप लोग खुद से सर्च करो कश्मीरी शॉल में और क्या क्या मेरे पढ़ा हुए के अलावा आपको और क्या मिलता है, ठीक है। मैं आपको पूछूंगी कल, कल मतलब मंडे को। अब हम देखते हैं कुल्लू एंड किनारू शॉल, ठीक है, ये नाम नोट डाउन करके रखो और इसके बारे में सर्च करो और कश्मीरी शॉल के बारे में भी सर्च करो, ठीक है। मैं आपको मंडे को पूछूंगी, किया नोट? हाँ। ये नीचे वाला भी करो, वार्प्स ऑन नॉर्थ ईस्ट, इसका कुछ नहीं भी मिला पिक्चर्स भी मिले तो भी देख लेना, ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि अभी टाइम अपना हो चुका है, 42 मिनट्स हो मतलब हो गए 1:00, इसको फिर से एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम रहेगी। कुल्लू एंड किन्नौर इन हिमाचल प्रदेश आर ऑल्सो नोन फॉर गुड क्वालिटी वुलन शॉल। अब ये जो कुल्लू जो है ये हमने ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का जब चंबा पढ़ रहे थे एम्ब्रॉयडरी उसमें भी हमने ये नाम सुना था, ठीक है, कुल्लू, ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल, इस दो जो कपड़े है एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है और वीविंग स्टाइल है उससे ये फेमस है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू जो होती है मतलब किन्नौर शॉल जिसको हम बोलते हैं, ये शॉल जो है वो वोवन होती है मतलब बुनी हुई शॉल होती है। द ट्रेडिशनल कलर यूज्ड और फॉर द बेस ऑफ द शॉल आर रेड, मरून, ब्लैक, ब्राउन एंड ऑफ व्हाइट। यहाँ पे ट्रेडिशनल कलर्स शॉल के बेस के लिए यूज करते हैं वो है रेड, मरून, ब्लैक, ब्राउन और ऑफ व्हाइट। ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये मोटिफ बने हुए हैं वीविंग के द्वारा, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है इसका ब्लैक है, जिसका ब्लैक बैकग्राउंड है। और ब्राइट कलर आर इंसर्ट इन एक्स्ट्रा वेव
on border or the shore. Geometrical motif inspired from nature are made into beautiful colorful border. यहाँ पे geometrical patterns use किए हैं, ठीक है, motif के लिए. और colors आपको देखा है आपने कि ब्राइट कलर यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो ब्राइट कलर्स में इसमें ग्रीन भी दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है लेकिन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, येलो दिख रहा है, मतलब ब्राइट कलर्स में जो. लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पे जो दिए गए है वो है रेड, मरून, ब्लैक, ब्राउन और ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है. बाकी जो मोटिफ को करने के लिए जो कलर्स यूज करते हैं तो वो होते हैं ब्राइट कलर्स, ठीक है. और ये पूरे नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं मोटिफ या ज्योमेट्रिकल मोटिव होते हैं, ठीक है. और कलरफुल बॉर्डर्स होती है इस किन्नारू शॉल की, ठीक है. किन्नारू शॉल आर नोन फॉर हिज देयर लेबर इंटेंसिव स्किलफुल वीविंग. दिस शॉल आर हेविली एम्ब्लिश्ड विथ मोटिव एंड आर ट्रेजर्ड बाय द वोवन ऑफ हिमाचल प्रदेश. There are draped by the woman in two fingers, weighs heavy silver jewelry in then worn among with it to give it a festive look. यहाँ पे ये जो होता है शॉल, ये बहुत मतलब skillful weaving है, ठीक है. ये बहुत ज्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको खुद बुनते हैं, ठीक है. तो ये एक रोजगार के रूप से वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है. वुमेन्स के द्वारा ये ज्यादा से ज्यादा इसको एम्ब्लिश्ड किया जाता है मोटिफ के लिए, ठीक है. और इसपे सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो पहनी जाती है फेस्टिव लुक के लिए, ठीक है. मतलब अगर कोई फेस्टिवल रहा तो जब हम मतलब औरतें इसको ओढ़ती है तो इसके साथ जो सिल्वर कलर की ज्वेलरी होती है वो पहनती है, ठीक है. तो हिमाचल प्रदेश के आपको बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो वहाँ के जो पर्संस है, जो वो वुमेन्स है, वो अपना लुक बिल्कुल इस शॉल को अपने सिर पे ऐसा ये करती है या उस पे बांध अपना शोल्डर पे रखती है और सिल्वर कलर की ज्वेलरी देखने को मिलती है आपको, ठीक है. उनकी तो इसके पिक्चर्स आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिल्वर ज्वेलरी इसके ऊपर ज्यादा करके पहनी जाती है, ठीक है. तो ये हो गया है, कल देखेंगे ये शॉल जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है. मतलब आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है. यहाँ पर ये जो शॉल है, वार जिसको बोलते हैं, ये शॉल तो नहीं है जिसको हम लोग ऐसे ठंडी में Thank you.